दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए विज्ञापन के बारे में जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर जो ये विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 13/2023 है और इसके अंतर्गत प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर यानी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक 26,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन आज 19 जुलाई को जारी किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि आखिर इस विज्ञापन के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 26,000 वैकेंसी है, अच्छा मौका आप सभी के पास है। ठीक है, इस विज्ञापन के एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इस भर्ती में फॉर्म आवेदन करने के लिए मात्र आपको 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। 100 रुपये जनरल छात्रों के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए मात्र 50 रुपये ही यहाँ पर शुल्क लगेगा, तो फीस भी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई हैं। यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो इन सभी को समझते हैं। पहले यहाँ पर जो वैकेंसी वो पारा शिक्षकों के लिए है और जिलावार यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ का जिला है सरायकेला खरसावां। यहाँ पर अनारक्षित के 92 पद हैं, एसटी के 86 पद हैं, एससी के 11 पद हैं, ओबीसी वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत 9 पद हैं, वर्ग टू के अंतर्गत 7 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद हैं। टोटल 227 पद केवल एक जिले में हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 36 आरक्षण है उसके हिसाब से पदों को अलग से बताया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जिला है, दूसरे जिले में 170 पद हैं लातेहार में। इसके बाद गोड्डा है, यहाँ पर 231 पद हैं, बोकारो में 234 पद हैं, दुमका में 364 पद हैं, गुमला में 204 पद हैं, जामताड़ा में 165 पद हैं, रामगढ़ में 93 पद हैं, रांची में 307 पद हैं, खूंटी में 125 पद हैं। इसके बाद सिंहभूम में 317 पद हैं, पूर्वी सिंहभूम में 237 पद हैं, चतरा में 251 पद हैं, पलामू में 395 पद हैं, गोडरमा 105 पद है, हजारीबाग 216 पद हैं, देवघर 312, पाकुड़ 153, साहेबगंज 194, धनबाद 257, लोहरदगा 84, गिरडीह 487, सिमडेगा 122 पद हैं, गढ़वा 219 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर 24 जिलों में ये पद मैंने आपको बताए। ठीक है, ये पारा शिक्षकों के लिए। पारा शिक्षक क्या होते हैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पद जो है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए जिलेवार वैकेंसी है, सरायकेला खरसावां में देखो 230 पद हैं। अब ये प्राइमरी टीचर वाले ही पद चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से सभी जिलों की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये पूरा आपको यह चल रहा है, यहाँ पर देखो 13, 14, 15, इसके बाद 17, 18, 24, ये हम लोग आ गए यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर के 24 जिला यहाँ पर भी गैर पारा टीचर के लिए। आपको बता दें जो भी फ्रेश अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जैसे आप फ्रेश अभ्यर्थी हैं तो आप गैर पारा टीचर्स की जो वैकेंसी उसमें आवेदन कर सकते हैं। पारा टीचर उनको बोलते हैं जो झारखंड में पहले से कार्यरत है, वर्किंग में है। एक तरीके से अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करो, जिस तरह शिक्षा मित्र होते हैं या जिस तरीके से तदर्थ शिक्षक हैं या जिस तरीके से नियोजित शिक्षक होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर पारा टीचर हैं। तो जो भी फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो अभी रिसेंट में ही ग्रेजुएशन किया, बीएड किया हुआ, डीएड किया हुआ है, तो वो अभ्यर्थी गैर पारा टीचर्स के जो भर्तियाँ उसमें आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी है, इसके लिए यहाँ पर इस पद का नाम दिया गया स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य।
और जो प्राइमरी टीचर का पद उसके लिए बोला गया इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पर वैकेंसी है, सराय खरसावा में 115 पद हैं, इस तरीके से सेम उसी तरीके से वैकेंसी है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस यहाँ पर मैं मेन मेन चीज़ें आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर पारा टीचर था और यहाँ पर देखिए गैर पारा टीचर है, तो गैर पारा टीचर में ही आप लोग फ्रेश अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिसको एक्सपीरियंस है वर्किंग में, वहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है पारा टीचर के रूप में, वो लोग पारा टीचर के लिए करेंगे आवेदन। तो जो पारा टीचर वाली वैकेंसी एक तरीके से आरक्षित है, उसमें फ्रेश अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं, फ्रेश अभ्यर्थी जाएंगे गैर पारा टीचर वाली भर्तियों के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 26,000 पद यहाँ पर हैं, इसमें बहुत बड़ी भर्ती है, आपके पास अच्छा मौका यहाँ पर है शिक्षक बनने के लिए। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर पेज नंबर आएंगे 47-48 में, ठीक है 47-48 में आएंगे, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखो, हम लोग बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के लिए, तो यहाँ पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा, मिनिमम बेसिक पे 25,500 बनेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो बोला गया है अपने प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से प्लस टू का 12वीं आपने पास किया हो या उसके समकक्ष में कोई परीक्षा आपने पास किया हो, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नीचे कुछ कंडीशन देंगे, ये आपके ऊपर लागू होने चाहिए। नंबर 1 बोला गया है कम से कम 50% अंकों के साथ आप 12वीं उत्तीर्ण हो, ठीक है, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, इसको आप लोग DLED के नाम से जानते हैं। तो इंटर आपने किया हुआ है प्लस DLED किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंटरमीडिएट के बाद DLED कहाँ होता है, ये तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट के बाद DLED होता है, तो वो भर्ती यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। दूसरे में बोला गया है यहाँ पर 45% के अंकों के साथ आपका इंटरमीडिएट हो, जो कि NCERT के विनियमन 2002 के अनुसार होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद बोला गया अगर आपने 4 साल का BLED कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते 50% कंडीशन लागू होगी, ठीक है। या फिर आपने प्लस 2 किया हुआ है या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं क्या BEd वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो जी हाँ BEd वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd या BEd विशेष शिक्षा, चाहे आपने 1 वर्षीय BEd किया हो 2 वर्षीय BEd किया हो, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर देखो बताया गया है सब कुछ ठीक है लेकिन ये पॉइंट आपको कंफ्यूज परेशान करेगा। यहाँ पर बोला गया है कि NCERT के मतलब रूल के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है JTET जिसको नाम से जानते हैं झारखंड TET, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तभी यहाँ पर फॉर्म भर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के जो भी शिक्षक हैं इनके लिए भाष मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसी है। यहाँ पर गणित विज्ञान टीचर की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की वैकेंसी है, इसके बाद भाषा शिक्षक की भी यहाँ पर वैकेंसी है। 3 प्रकार की यहाँ पर पद जो ऊपर वैकेंसी दी गई है वो भी 3 प्रकार के हिसाब से दी गई है, विज्ञान गणित की अलग है, सामाजिक विज्ञान की अलग है, भाषा टीचर की अलग है। तो यहाँ पर बोला गया है अगर आप गणित विज्ञान के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो भौतिक रसायन वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान, ठीक है, इन विषयों से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और तीन वर्ष ही बोला गया है, ठीक है, न्यूनतम 3 वर्ष आपका जो है ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो बोला गया है कि न्यूनतम 3 वर्ष ही स्नातक होना चाहिए आपका, और इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र लेखा शास्त्र व्यापार अध्ययन इसमें से आपका जो है ये होना चाहिए,
इसके बाद भाषा शिक्षक के लिए बोला गया है, जो भी झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित भाषाएं हैं उन भाषाओं में आपका जो है किसी भी एक विषय में जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर देखो नीचे बोला गया है कि स्नातक विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ उत्तीर्ण आपने किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर अब मेन चीज़ समझो यहाँ पर परेशानी कहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जूनियर टीचर के लिए भी जो अभ्यर्थी 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किए हुए, साथ में अगर बीएड उन्होंने किया हुआ, चाहे भले आपने एक वर्षीय बीएड किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके साथ बोला गया अगर आपने बीएड किया हुआ तब भी आप इसके एलिजिबल हो। आपने जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, वो आपने किया हुआ है 50% मार्क्स है तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हुआ है और द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा किया हुआ है तब भी आप इसके एलिजिबल हो। लेकिन फिर से परेशानी कहाँ पर आएगी, इस पॉइंट पर परेशानी आएगी आपको, जहाँ पर बोला गया है कक्षा 6 से 8 तक का झारखंड सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा, यानी कि जेटेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे। तो जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि वहां पर क्या था, पीजीटी पीजीटी में एस्टेट लगा दिया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको पीजीटी में आवेदन करने का तो मौका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जेटेट लगा दिया गया है, प्राइमरी और जूनियर की भर्ती में झारखंड टेट लगा दिया गया है। अब इस झारखंड टेट की वजह से अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, हालांकि जिसके पास झारखंड टेट है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर समस्या यहाँ पर है। वैसे जिस प्रकार से झारखंड सरकार द्वारा पीजीटी को एलिजिबल किया गया था, पहले पीजीटी भी एलिजिबल नहीं होता था अदर स्टेट के लिए, लेकिन इस बार पीजीटी को एलिजिबल किया गया था, उसी प्रकार से इसको भी एलिजिबल करना चाहिए था। लेकिन परेशानी यहाँ पर ये है कि आप परेशान होंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन आपको बता दें अगर अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे तो फिर से आप सभी की जीत होगी। जिस प्रकार बिहार में आप लोगों की जीत हुई, प्राइमरी टीचर में आपको शामिल किया गया, उस तरीके से झारखंड में भी आप लोगों की जीत होगी, प्राइमरी टीचर में आपको शामिल किया जाएगा। बस आप लोग प्रयास करिए, एक याचिका डालिए, सभी लोग जो भी अदर स्टेट के हैं मिलकर के एक याचिका डालिए, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। जो जेटेट वाली कंडीशन है हट जाएगी, सिर्फ सीटेट मांगा जाएगा। जेटेट लगा रहेगा तो लगा रहेगा, लेकिन आज सीटेट को अलाउ करना चाहिए था और सीटेट अलाउ होगा, बस आप लोग प्रयास करिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, आवेदन करने की बात कर लेते, आवेदन कब से प्रारंभ है, मेन चीज तो रह गई। तो यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर देखो 21 वर्ष यहाँ पर मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 वर्ष है। जितनी भी महिलाएं उनको 3 साल की छूट है, चाहे महिलाएं जनरल में आती हों, पिछड़ा वर्ग में आती हों, एससी में आती हो, 3 साल की छूट रहेगी। 43 साल है एससी के लिए, 45 साल है। ठीक है, तो ये एज हो गई। अब मेन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आवेदन तिथियों को लेकर के। तो नोटिफिकेशन आज 19 जुलाई को जारी किया गया, इसके लिए आवेदन 8 अगस्त से प्रारंभ होगी। 8 अगस्त से 7 सितंबर तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन आप 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच कर सकते हैं। तो इसको आवेदन करने के लिए आपको जो लिंक है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।